NNI24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बहराइच में आरएलडी का किला हुआ धराशायी, जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का अभी भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन आने वाले इस चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए लगभग सभी विपक्षी पार्टियां सुर में सुर मिलाते हुए एड़ी चोटी से जुट गई हैं। और यही वजह भी है राजनीतिक नेता व कार्यकर्ता का अपनी इस चुनावी बैतरणी को पार लगाने के लिए पार्टियों का पाला भी बदलने में जुट गए हैं। इसी क्रम में बीते दिनों राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी द्वारा बीजेपी की गोद में बैठ जाने से पार्टी में कलह की स्थिति पैदा हो गई है और इससे आहत होकर बहराइच के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजीबुल्ला खान ने आज गोंडा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रहमान के नेतृत्व में अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लखनऊ के प्रदेश स्थित कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए स्वागत किया और इन्हें शुभकामनाएं भी पेश की। इस सदस्य ग्रहणता कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी के अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व सांसद कमल किशोर व अन्य प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेतागण मौजूद रहे। आज की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में विशेष रूप से बहराइच के आरएल राष्ट्रीय लोकदल के जिला अजीबुल्ला खान के अलावा सईद अहमद, सगीर अहमद, समीर खान, रशीद सिद्दीकी, मोहम्मद जैद, आरिफ बेग के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर अजीबुल्ला खान साहब, सईद अहमद, आरिफ बेग, अब्दुल अजीज, लोग इधर बीच में आ जाओ, समीर खान, आरिफ सिद्दीकी अरमान, मोहम्मद जैद, मोहम्मद खान से इन लोगों ने कार्रवाई किया। मैं सबको मैं लेता हूँ ये बहराइच ये राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर कार्रवाई की है, इसको मैं धन्यवाद। आज हम सबके बीच में कांग्रेस में एक बार आप सब लोग पीछे आ जाइए तो एक ग्रुप फोटो हो जाएगी जो लोग उधर बैठे हैं। मैं चाहूंगा हो गया चलो तुम मिल लेंगे भैया। और निश्चित तौर से सभी हम लोग एक परिवार की तरह कांग्रेस परिवार को मजबूत करें और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बदलाव आया था। एक बड़े नेता के चक्कर में ये लोग तक के चले गए थे और वो वहाँ भी जाकर, मैं सीधे कहना चाहूँगा कि वहाँ भी जाकर उनकी कोई कदर नहीं, जो मेरे पास जानकारी है वो पूरी तरीके से वहाँ पर भी विकास बढ़े हुए हैं। मंत्री बन जाने कोई मतलब नहीं होता जब तक आपके कलम में ताकत नहीं होगा, जब तक आपके जुबान में ताकत नहीं होगी, आप फोन करते रहो, चिट्ठी लिखते रहो, आदेश करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोग स्वाभिमानी है, स्वाभिमान को गिरवी रखकर बेचकर किसी के साथ चर्चा के लिए नहीं कर सकते। मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब ने घर वापसी की है, बहुत शुभकामनाएं, मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करिए, राहुल जी को मजबूत करिए, प्रियंका जी को मजबूत करिए, खड़गे जी को मजबूत करिए और अपने आप को मजबूत करिए। हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े हों, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण की है, क्या वजह है, क्यों ग्रहण की और आगे की आप लोग क्या उम्मीदें लगाए रखते हैं? आज हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ करके
कांग्रेस का दामन थामा है, क्योंकि कांग्रेस का दामन इसलिए थामा है क्योंकि जो सेकुलर और कम्युनल का मामला होता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सेकुलर की बात करती है और सभी वर्गों को लेकर के साथ में चलती है। इससे पहले मैं आरएलडी में था तो आरएलडी भी सेकुलर पार्टी के तरीके से मतलब काम कर रही थी, लेकिन इधर काफ़ी दिनों से जैन जी के ऊपर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके ऊपर दबाव बना करके उन्होंने एक बयान दिया था कि कोई मैं चवन्नी नहीं हूँ जो मैं पलट जाऊँगा, लेकिन अभी चंद दिन हुए वो चवन्नी खोटी निकली। उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हमारी जो आस्था है वो सेकुलरिज्म है, हम लोग सभी वर्गों को लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इन सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, कभी कोई भेदभाव नहीं करती। इसी को लेकर के हम लोग इस विचारधारा से प्रभावित हुए हैं और हम लोगों ने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और इंसानियत का पैगाम देना, कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंधे से कंधा मिला करके और माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय सोनिया श्रीमती सोनिया गांधी जी को, प्रियंका जी को, और मैं सबसे ज़्यादा माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का आभार प्रकट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनसे उनका जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग पूरे तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को अपने उरूज पे ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुड़ा के शहर अध्यक्ष जी का, जो आपके नेतृत्व में रहमान साहब हैं, मैं आपके नेतृत्व में आपका जो दिशा निर्देश होगा हम लोग काम करेंगे, आपके साथ कंधा कंधा मिला करके चलेंगे। धन्यवाद।